इसलिए उत्तर भारत में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिण से उत्तर में आता है, इसलिए एक ही दिन होता है हर साल एक ही तारीख, क्योंकि सूर्य के ऊपर तारीख अवलंबित है। तो हम लोग उसको क्यों इतना मानते हैं, क्या विशेष बात है कि सूर्य अगर उत्तर में आ गया तो हम लोगों को उसमें इतनी खुशी क्यों? बात यह है कि सूर्य से ही हमारे सब कार्य जो है प्रणित होते हैं। अंधेरे में रात्रि में हम लोग निद्रावस्था में रहे, लेकिन जब सूर्य उदित होता है उसके बाद ही हमारे सारे कार्य चलते हैं। इसे इस कार्य को प्रभावित करने वाली जो चीज है वो है सूर्य, और वो क्योंकि हमारे कक्ष में आ जाती है तो हम इसको बहुत मान्य करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाकी सारे त्यौहार चंद्रमा पर आधारित है, और सिर्फ यही एक त्यौहार ऐसा है कि जो हम सूर्य के आधार पर लेते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सूर्य नारायण की भी बहुत महत्ति है, और लोग सूर्य नारायण को मानते हुए गंगा जी पर जाकर नहाते हैं और अनेक तरह के अनुष्ठान करते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण यही एक दिन है। अब हम लोगों को यह तय करना पड़ता है कि इस दिन क्या करना चाहिए, इस विशेष दिन को क्या कार्य करना चाहिए। सूर्य का नमस्कार हो गया, सूर्य को अर्घ्य दे दिया और सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता हम लोगों ने संबोधित की, किंतु क्या विशेष हम कर सकते हैं, विशेष का सर्जन क्या कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पे सूर्य का स्थान है, आप लोग जानते हैं, और आज्ञा चक्र से आप हर एक चीज को सोचते हैं, तो आज्ञा चक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि सूर्य को प्रभावित करता है। इसके लिए आज्ञा का जो महत्व है वो ये है कि आज्ञा पर हमारे जो ग्रह हैं उनके अनुसार हम लोग आज्ञा चक्र से लोगों पर क्रोधित होते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, गुस्सा आता है और हर तरह की आशाएं टूटती जाती हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको हमें समझना चाहिए कि इस पर ईसा मसीह का स्थान है, और ईसा मसीह ने एक ही चीज बताई कि सबको क्षमा करना चाहिए। क्षमा करना बहुत जरूरी चीज है। अब वो कैसे किया जाए, वो बहुत से कहते हैं कि हमने तो कर दिया, पर होता नहीं है। क्षमा के लिए जरूरी है कि संतोष अंदर से होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जिसने जो करना था वो भोगेगा, हमको क्या करना है, जिसने जो कहा था वो खुद उसको इस्तेमाल होगा, हमको इसमें क्यों पड़ना है। इस तरह से निरीक्षता आ जाए और आप क्षमा कर दें सबको तो आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। आज्ञा चक्र ठीक होने से जो बहुत बड़ी रुकावट हमारे उत्थान में है, जो कुंडलिनी को रोकती है, वो है आज्ञा, और इसके लिए हमें क्षमा करना आना चाहिए। हर समय हम सोचते रहते हैं किसने क्या रोक दिया, किसने क्या करती थी, उसके जगह ये सोचना चाहिए कि हमने क्षमा कर दी जिसको, उसको हमने क्षमा कर दिया, और क्षमा करने से एकदम से आपको हैरानी होगी कि कुंडलिनी चट से पहुंच जाएंगी। हमको तो अपनी कुंडलिनी को चलाना और उसके लिए
हमें जरूरी क्या क्या गुस्सा आता है। गुस्सा है मनुष्य का स्वभाव, परमात्मा का नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए उस गुस्से को रोकना चाहिए और उसकी जगह क्षमा 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 ऐसे त्रिवार कहने से आज्ञा चक्र ठीक हो जाता है, सबको आनंद का आशीर्वाद है।